विरोध में निकाला गया है जो सीएबी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया है भारतीय इसमें संसद में पेश किया गया है अमित शाह के जरिए और जो पास कर दिया गया है रात के 12 बजे, हम उसका विरोध करते हैं। जिस तरह से असम की जनता पूरे रोड पर है, उसी तरह से एसडीपीआई पूरे भारत में आज विरोध इसका कर रही है और हम भी इसी के तहत कर रहे हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इस अमेंडमेंट बिल को, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को अविलंब वापस किया जाए, वरना महात्मा गांधी ने और हाजी साहब ने जिस तरह से 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में इसके ऐसी ही बिल के खिलाफ प्रण लिया था, वैसी हम प्रण लेते हैं। जब तक इस बिल को वापस नहीं लिया जाएगा, एसडीपीआई दम नहीं लेगी, पूरे भारत में आंदोलन करती रहे। उसमें अमित शाह साफ तौर पे कर रही है जो भारतीय मुसलमानों के लिए खतरा नहीं है, जो बाहरी है उसके लिए खतरा, भारतीय मुसलमानों के लिए खतरा नहीं है, ये एक्चुअली ये भारतीय मुसलमानों के लिए नहीं, ये शरणार्थियों के लिए बिल है और ये शरणार्थी अगर हिंदू हैं तो मुसलमान भी शरणार्थी हैं। सबसे ज्यादा अभी जुल्म के शिकार हुए हैं रोहिंग्या मुस्लिम्स। तो आप इस धर्म के नाम पर या इस तरह पाकिस्तान में चले जाइए, अहमदिया फिरका है और दूसरे फिरके, इस तरह के बिल को लाने का मतलब है कि सिर्फ आप साफ तौर पर हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जाना चाहते हैं और हम ऐसा होने नहीं देंगे, इसके खिलाफ मुखालफत करते रहेंगे जितनी हमारी ताकत। क्या लग रहा है ये जो अभी आप लोग जो मशाल जुलूस ने आया, तो क्या लग रहा है कि ये मशाल जुलूस निकालने से ये बिल वापस हो सकता है? हमारा विरोध प्रदर्शन हम कर रहे हैं, सरकार को अपने बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बिल मुसलमानों के ही नहीं पूरे भारतीय जो संविधान है उसके खिलाफ है, भारतीय जो अनेकता में एकता की मिसाल है उसके खिलाफ है और भारत की संप्रभुता और अखंडता के भी खिलाफ है, इसलिए इस बिल को अविलंब वापस लिया जाए। अगर वापस नहीं लिया जाएगा तो हम लगातार आंदोलन करते रहे और इसलिए हम लोग ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है जो मैंने निकाला है और इसको हम क्लियर करते हैं आपके सामने में, इसको पूरी मुसलमान यानी ये एसडीपीआई रिजेक्ट कर दी और इसको फाड़ते हैं। तालियां तालियां। नहीं चलेगी, 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 नहीं चलेग